हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड वीडियो कम्युनिकेशन सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। So, before knowing the barriers of communications, first of all, let us see what are the effective communications requires. That means, what are the requirement of effective communications? A message is conveyed clearly between communicators in order that it is effective and serves the desired purpose. It means, the communicators. Who is the communicator? The sender and the receiver. The person who is trying to convey a person and the person who is listening the conversation. That both the persons are communicators. So, the communicator, when he is trying to convey a message, the conversation between two communicators may be effective to serve the desired purpose. मीन्स हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जब हम लोग किसी से कन्वर्सेशन करने जा रहे हैं तो हमारी जो बात है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए। हम लोगों को जिस चीज़ के ऊपर कन्वर्सेशन करना है वो हमको अपनी बात को रखने का जो तरीका है वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात है कि जब हम लोग कहीं बात कर रहे हैं, किसी ग्रुप में हैं या अपने वर्क प्लेस पे हैं या समाज में हैं, कम्युनिटी में हैं, तो हमको ये ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट जो है वो कंडक्टिव होना चाहिए। इट मीन्स कि वो इन्वायरमेंट, एक माहौल होना चाहिए जहां की हम कम्युनिकेशंस कर सके। अगर वो माहौल नहीं हुआ, वो कंडक्टिव इन्वायरमेंट नहीं हुआ, तो मैसेजेस कभी भी सेंट और रिसीव्ड सक्सेसफुली नहीं हो सकते। बीच में कई तरह की बाधाएं आएंगी, कभी सुन नहीं पाएंगे, कभी बोल नहीं पाएंगे, दूसरे की बात बीच में होती रहेगी। तो हमको ये ध्यान जरूर रखना है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के दरमियान कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एक अच्छे इन्वायरमेंट पे हो, इन्वायरमेंट हमेशा कंडक्टिव हो। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। दूसरी बात है कि हमारा कोई कम्युनिकेशन बैरियर बीच में खड़ा ना हो। बैरियर्स के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, बैरियर्स क्या है। तो हमारे कम्युनिकेशन बैरियर्स अभी फिलहाल हम लोग समझ कर रखते हैं बाधा, जो व्यवधान उत्पन्न होता है हम लोगों के कम्युनिकेशन के बीच में, उसको हम लोग समझ कर रखते हैं। तो अगर कोई बैरियर आता है इस बीच में तो हम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या मीनिंग गलत हो जाता है। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि उस बीच कोई बैरियर ना हो, कम्युनिकेशन का कोई बैरियर ना खड़ा हो रहा हो। और एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर कोई बैरियर्स आ रहा है तो मतलब इसकी पहले, हम लोग कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले इस चीज को सुनिश्चित कर लेना है कि वो बैरियर अगर आ रहा है उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, या बैरियर्स ना हो हमारे कम्युनिकेशंस के बीच, उसको सबसे पहले तय कर लेना है। अपने कम्युनिकेशंस को स्टार्ट करने से पहले इन दो चार चीजों का ख्याल रखना है ताकि हम लोगों का जो कम्युनिकेशंस हो वो एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो। सो लेट अस सी व्हाट इज फिजिकल, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो बैरियर्स में सबसे पहला जो बैरियर है वो फिजिकल बैरियर का आता है। फिजिकल बैरियर क्या होता है कि इसमें हम लोग बहुत बार जगहों के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर बट जाते हैं। कई बार हमारी जो कम्युनिकेशंस है वो क्षेत्रीयता के आधार पर अलग अलग हो जाती है। हम लोग अपने एरिया के हिसाब से बात करते हैं और जब एरिया वाइज लोगों को बांटते हैं तो हमारे कम्युनिकेशंस का तरीका बदल जाता है और एक हेल्दी कम्युनिकेशंस नहीं हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हमारे वर्क प्लेस में हम लोग जब आसपास बैठे होते हैं तो कम्युनिकेट आसानी से कर सकते हैं, बट यदि हम लोग आसपास नहीं बैठे हैं तो कम्युनिकेशंस मुश्किल हो जाता है, हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते। सपोज हमारे बॉस हैं, अगर वो एक अलग चैम्बर ऑक्युपाई करके रखते हैं, वहां पे डोर्स बंद करके रखते हैं, तो हम लोगों को उनसे कम्युनिकेट करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम लोग इजिली उनके साथ जैसे कम्युनिकेट करते हैं आसपास बैठे लोगों के साथ, उस तरह कम्युनिकेशंस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ फिजिकल बैरियर एक बीच में आता है जिसकी वजह से हम लोग उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। एक और बात आती है कि जैसे मान लीजिए हम लोग अगर जिसके साथ कभी फेस टू फेस बात ना किए हों, अगर वो पर्सन सामने खड़ा हो,
तो वो भी एक फिजिकल बैरियर के अंतर्गत आता है। हम लोग जिसके साथ कभी बात नहीं किए, अचानक से वो सामने आया, या एक स्ट्रेंजर है जिससे हम लोगों की कभी बातचीत नहीं हुई, तो हम लोग उतनी फ्रिक्वेंटली बात नहीं कर पाते। हम लोगों के बातचीत करने का तरीका अलग होता है, हमारे बातचीत करने में वो झिझक महसूस होती है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम लोग फिजिकल बैरियर्स करते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। हेल्दी कम्युनिकेशंस में ये बैरियर्स भी बाधा पैदा कर सकते हैं। दूसरे तरह का बैरियर है लैंग्वेज बैरियर। कई बार हमारी भाषाएं अलग होती हैं, हमारे वर्ड्स अलग होते हैं, हमारे उच्चारण अलग होते हैं, रीजन के हिसाब से, जगह के हिसाब से हमारी बात अलग होती है। तो ये ध्यान रखना है कि शब्दों का इस्तेमाल वैसा होना चाहिए जो सामने वाले को समझ में आए। अगर वो शब्द समझ में नहीं आएगा तो वो तुरंत आपको रोक देंगे, वो आपकी बात को पूरा करने का इंतजार नहीं करेंगे, वो पहले ही आपको बताएंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रही है। आप जो कन्वर्सेशन करना चाहते हैं वो कन्वर्सेशन उनको समझ में नहीं आएगा, और जब तक आपकी लैंग्वेजेस को वो समझ नहीं पाएंगे, आपके एक्सप्रेशंस को समझ नहीं पाएंगे, आपकी जो वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, उनको नहीं पता चलेगा, तो वो आपके एक्चुअल जो आपका मैसेज है वो उन तक कन्वे नहीं हो पाएगा। अगर वो आपकी लैंग्वेज के साथ फैमिलियर हैं भी, और फिर भी अगर हम लोगों का रीजनल रीजन अलग अलग है, तो हमारे शब्द से या हमारे उच्चारण से कभी कभी हम लोगों के बीच एक लैंग्वेज बैरियर्स हो जाते हैं। एक ही शब्द को अगर कई लोग अपनी भाषा के हिसाब से अगर उसका उच्चारण अलग करते हैं तो उनका मीनिंग अलग हम लोग सोच लेते हैं, और उस समय कन्फ्यूजन्स की स्थिति आती है। जो थर्ड बैरियर है दैट इज जेंडर बैरियर, कॉमन है। हम लोग अपने समाज में मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, लेडीज एंड जेंट्स, इन दोनों के जो कम्युनिकेशंस हैं इसमें हम लोग बहुत सहज नहीं होते हैं। हमारे समाज में जेंट्स और लेडीज के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, उन लोगों के बात करने के तरीके बहुत अलग होते हैं, तौर तरीके अलग होते हैं। जो महिलाएं होती हैं वो अक्सर राजनीतिक, सहानुभूति और तालमेल निर्माण वाली चीजों पे जोर देती हैं, जबकि जो मेल्स होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो ज्यादातर डायरेक्ट बात करते हैं, प्रत्यक्ष बात करते हैं, और उनकी जो बात होती है वो लगभग लॉजिकल होती है, और जो उनका टॉपिक है उसके आसपास होता है। तो ये हम लोगों के दोनों के बातचीत करने के तरीके में थोड़ी फर्क होने की वजह से ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं कहीं हमारा जेंडर भी बैरियर्स के तौर पे काम करता है, जेंडर भी जो है वो एक बैरियर बन जाता है। हम लोगों का कम्युनिकेशन बहुत सहज नहीं हो पाता। हमारे समाज में वैसे भी जो टू अदर जेंडर्स हैं उनको बात करने में हमेशा झिझक या परेशानी होती है, तो जेंडर भी एक तरह का बैरियर होता है कम्युनिकेशन के बीच में। एटीट्यूडनल बैरियर्स, कभी कभी एटीट्यूड ये हमारा एक बैरियर का काम करता है। हमारी जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड की वजह से हमारा जो बिहेवियर है ये दूसरे के प्रति थोड़ा अलग हो जाता है। हम लोग उनसे जो हमारा बिहेवियर है वो थोड़ी डाउटफुल हो जाती है, लोगों के बीच में सहमति नहीं बनती है, हम किसी की बात को सुनना नहीं चाहते हैं, उनकी बात को बीच में रोकते हैं, इंटरफेयर करते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि हमारी एटीट्यूड जब हमारे कम्युनिकेशंस के बीच आती है तो हम लोगों में एक दूरी बन जाती है। हम चूंकि लोग पसंद नहीं करते वैसे लोगों से बात करना जो बहुत ज्यादा बातचीत में एटीट्यूड दिखाते हैं, तो वैसे लोगों से लोग दूरी बना लेते हैं और उनके साथ ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। तो एटीट्यूडनल बैरियर भी हमारे लिए उस समय कम्युनिकेशंस में एक बहुत बड़ा बाधा बन जाता है। इसके बाद जो बैरियर आता है परसेप्चुअल बैरियर्स। परसेप्चुअल बैरियर्स में हम लोगों की विचारधारा जो है, इसको हम लोग वैचारिक बाधाएं भी कहते हैं, ये हमारी विचारधारा के आधार पर हम लोगों में मतभेद हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी अपनी सोच है वो सोच के आधार पर हमारे बीच गलत फहमियां हो जाती हैं। हम लोग किसी भी चीज को अपने तरीके से, अपने ख्याल से उनको बताने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझने की कोशिश करते। जो हमको सही लगता है हम उसी को साबित करने में लगे रहते हैं, और इस वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है एक हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तो ये जो बैरियर है परसेप्चुअल बैरियर, ये भी हम लोगों को बहुत एक हेल्दी कम्युनिकेट करने में रोकता है, हेल्दी कम्युनिकेशन से रोकता है। जो अगला बैरियर है दैट इज कल्चरल बैरियर्स। हमारे जो सांस्कृतिक है, जो हमारा कल्चर है, हमारा रीजन के हिसाब से जो कल्चर है, तो कल्चर के हिसाब से भी हम लोग बात करते हैं।
जैसे जातीय धर्म धार्मिक और सामाजिक स्तर पर अक्सर हम लोगों की कम्युनिकेशंस जो है, हम लोग जब अपने जात से धर्म से या समुदाय से बिलोंग करके और उस हिसाब से कम्युनिकेट करते हैं तो हम लोगों के बीच गलत फहमी होती है। इस गलत फहमी की वजह से कभी कभी हम लोगों के आपस में क्रोध हो जाता है, लोगों से दुश्मनी हो जाती है, आप किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंचाया, हम लोग किसी की कल्चर को अगर कभी कुछ बोल देते हैं, कभी मुंह से निकल जाता है, तो इस वजह से आपस के रिलेशंस खराब हो जाते हैं और हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद जो बैरियर आता है दैट इज इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर क्या है कि भावना, किसी की भावना, हम लोग जब बात करते हैं तो सामने वाले की भावना को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हम लोग उसकी भावना, उसको क्रोध है, डर है या खुशी है, हम लोग ऐसी कोई चीज ध्यान में बिना रखे अगर बातचीत करते हैं तो ये थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। हम लोगों को बात करने के समय सामने वाले की भावनाओं पर जरूर ध्यान देना चाहिए। कई लोग अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने में भी पीछे रहते हैं, वो अपनी बातों को उस ढंग से नहीं रख पाते हैं, अपनी भावनाओं को उस तरह नहीं रख पाते हैं जो कि जिस ढंग से सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। तो ऐसे में कुछ रिश्ते हमारे बिगड़ भी जाते हैं। दूसरे की भावनाओं का कदर नहीं करना, अपनी भावनाओं को उन तक नहीं पहुंचाना एक गलत फहमी का कारण बनती है। तो इसका जड़ ये है कि हम लोगों को बचपन से जो हम लोग सीखते आए हैं, जो हमारे बचपन से हमको जैसी शिक्षा मिली होती है, जिस तरह हम लोग दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, तो वो हम लोगों को आगे चल करके ये चीज़ देखने को मिलता है। इसका जड़ यही है कि हमको बचपन से ही ऐसी हमारे अंदर ऐसी भावना बन जाती है जिससे हम दूसरों के साथ किस तरह बिहेव करेंगे वो हम लोग के सामने आता है। इसके बाद जो अगली बैरियर है जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, तो भावनाओं को हमेशा बात करते वक्त हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। सो ये सारी चीजें हैं, ऐसे बैरियर्स हैं जिनको ध्यान में रख करके यदि हम लोग कोशिश करेंगे तो कभी भी हम लोगों के कम्युनिकेशंस के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगी, कोई बैरियर्स नहीं आएंगे और हमारा एक हेल्दी कम्युनिकेशंस हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें लगता है कि आपको कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में समझ में आया होगा। सो अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।